हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन के दो टाइप, कन्फॉर्मल एंड आइसोगोनल। तो इसको समझते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, where u is equals to u of x by and v is equals to v of x by. Plots the two curve C1 and C2 intersecting at point P Z0 on Z plane. Map, मैं ये map करता है, maps, इसको हम बोल सकते हैं transformation to curve C1 dash and C2 dash intersecting at point P dash W0 on W plane. तो यह बात हमको पहले से पता है कि Z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और अगर उसका फंक्शन जेड का फंक्शन है तो उसको लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड यू प्लस आई वी, जहाँ यू एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो इन जेड प्लेन के सारे पॉइंट्स मैप करते हैं डब्ल्यू प्लेन में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनीशन है। तो इसी डेफिनीशन के आधार पर हम कन्फॉर्मल और आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। इफ एंगल बिटवीन C1 एंड C2 एट Z0 इज θ1 एंड द एंगल बिटवीन C1 dash and C2 dash at W0 is θ2, then one point देखते हैं यहाँ से, if the transformation preserves the same same magnitude of angles and sense of rotation as well called conformal transformation. इसका क्या मतलब है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन में एंगल का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसके साथ साथ उसके सेंस ऑफ रोटेशन भी एक जैसा हो। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब अगर जेड प्लेन में कोई दो कर्व थीटा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो उसी के अनुसार जब मैप करेंगे डब्ल्यू प्लेन में तो उसमें बनने वाले कर्व्स भी एंटी क्लॉकवाइज ही थीटा एंगल बनाएं। तो इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं, मींस θ1 का मैग्नीट्यूड θ2 के बराबर होना चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं θ होना चाहिए प्लस सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होना चाहिए, आल्सो सेम।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो प्लेन बनाते हैं, पहला जेट प्लेन है और दूसरा डब्लू प्लेन है। यदि जेट प्लेन में कोई भी फंक्शन दो कर्व बनाता है, पहला है C1 एट पॉइंट PZ0 से, और एट पॉइंट PZ0 एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दो कर्व बनते हैं, पहला C1 और दूसरा बनता है C2, और इनका एंगल ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थीटा है। इसी के अनुसार ये पॉइंट्स W प्लेन पर भी प्लॉट किए जाते हैं और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट PW है, और ये दो कर्व बनाते हैं C1 डैश एंड C2 डैश, और इनका भी एंगल थीटा है। तो एंगल ऑफ रोटेशन, या इसको हम बोलेंगे सेंस ऑफ रोटेशन, यानी कि एंगल की डायरेक्शन और एंगल का मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बट नॉट नेसेसरी द सेंस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल तो सेम हो लेकिन उसके सेंस ऑफ रोटेशन यानी उसकी डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे इन जेट प्लेन में किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट PZ0 से दो कर्व बनते हैं C1 एंड C2, और ये ट्रांसफॉर्म होते हैं W प्लेन में C1 डैश एंड C2 डैश, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट PW0 है। तो सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, थीटा, और इधर थीटा हो तो सेंस ऑफ रोटेशन यहाँ पर डिफरेंट होगा या होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जबकि जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड सेंस ऑफ रोटेशन सेम रहता है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल W इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू जेड बार, वेयर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। इट इज आइसोगोनल बट नॉट
कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज W is equals to X minus IY is equals to Z bar is the reflection of Z in real axis. It means that the magnitude of the angle remain the same, but their sign are opposite. This implies that the transformation W is equals to FZ bar is isogonal but not conformal transformation. तो आई होप आपको कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस पता लगा होगा और साथ साथ दोनों ही समझ में आए होंगे। तो मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।